नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एक और जहां वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच चरम पर है, तो दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की आग में जल रहे हैं। आतंकी संगठन हमास ने लगभग 15 दिन पहले इजराइल में घुसकर हमला किया था और भयंकर उत्पात मचाया। इसके जवाब में इजराइल भयंकर गुस्से में है और फिलिस्तीन की सीमा पर न केवल तोपें तैनात कर रखी हैं, बल्कि अपने हवाई हमले से भयंकर तबाही मचाई रखी है। दोनों ही तरफ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने वालों की रूह कांप जा रही है। इस युद्ध पर अब भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान की फीडबैक आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, युद्ध में घायल हुए सभी निर्दोष लोगों के बच्चे के लिए मेरा दिल दुखता है, जल्द ही शांति कायम हो। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के बाद इरफान पठान ने इस पोस्ट में किसी भी देश के पक्ष नहीं लिया। हालांकि इस पोस्ट पर तमाम यूजर्स की फीडबैक आ रही है। कुछ ने फिलिस्तीन के पक्ष में बात कही है तो कुछ ने इसराइल के पक्ष में। नोटेबल है कि आतंकी संगठन हमास के हमले में इसराइल में लगभग 1500 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसराइल की बमबारी में लगभग 3000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसराइल ने साथ ही यह भी दावा कर रहा था कि हमास ने हमले में न केवल जान ली बल्कि बड़ी संख्या में इसराइल नागरिकों को बंधक भी बनाया, इसमें महिलाएं और बच्चियां भी शामिल है। दूसरी ओर फिलिस्तीन का आरोप है कि इसराइल में गाजा के में अल अहली अस्पताल पर बमबारी की थी, जिसमें 500 बेगुनाहों की जान गई। हालांकि उसने इससे इनकार किया है। और भी स्पोर्ट्स जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।